देखिए यूँ तो मैं स्ट्रीट फूड जंकी हूँ, यानी कि मुझे कभी भी आप स्ट्रीट फूड खिला सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली की इस गर्मी में ना, हाय वो गर्मा गर्म समोसे भी आज की डेट में अपील नहीं कर रहे, लेकिन मुंबई वासियों को तो खूब भा रहे हैं क्योंकि झमझमाझम बरसात जो हो रही है और मानसून का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए ना, तन्वी डोगरा ने बनाए हैं गर्मा गर्म समोसे, खाने दीजिए। हमारे यहाँ पे भी जब बारिश होगी ना, हम भी खाएंगे। मानसून शुरू हो चुका है और मानसून आने का मतलब है गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म पकौड़ी, ये सब पकवान अपने किचन में तैयार रहते हैं। अब भी मानसून का मजा तो इनके साथ ही आता है ना। तन्वी डोगरा अपने मानसून को एंजॉय करने के लिए गर्म गर्म समोसे बना रही हैं। मुझे समोसे बहुत पसंद है और ये हमारा पंजाबियों का एक फेवरेट स्नैक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी समोसे रेसिपी। तो समोसे का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके आलू, उसकी फिलिंग। तो हम फिलिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉइल्ड मैश आलू ले लिए हैं, ये मिर्ची कटी हुई, ये अदरक पिसा हुआ, ये है आमचूर पाउडर और गरम मसाला, और ये हमारे पास है धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, और इसमें नमक भी मैंने डाल दिया। तो इसको हम अभी तड़का लगाएंगे। तो आलू का मसाला रेडी है हमारा, और ये मैंने डो बनाया था जिसमें मैंने अजवाइन, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और इसको घूंद के हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि समोसे कैसे बनाते हैं, उसकी शेप कैसे बनती है। सबसे पहले हम लेंगे एक पेड़ा, अब हम इसे हाफ में काट लेंगे। यहाँ पे पानी लगाएंगे क्योंकि हमें इसे बांधना है, ट्रायंगल शेप देनी है। और ये टंटना समोसा बनके रेडी है। अब समोसे का स्वाद भला किसे पसंद नहीं होता। तीखे तीखे समोसे और साथ में मीठी चटनी, इस कॉम्बिनेशन को देखकर तो सबके मुंह में पानी आएगा ही। से बनके रेडी है और मॉनसून स्टार्ट हो गया है, तो समोसे के साथ चाय तो बनती है ना, तो आप भी चाय और समोसे खाइए। एंड हैप्पी मॉनसून टू यू ऑल। अब इस लॉकडाउन में हर कोई अपने घर में मास्टर शेफ बन जाता है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मास्टर शेफ वाली ये फीलिंग बरकरार रखनी चाहिए। क्यों तन्वी, आप बरकरार रखेंगी ना अपना ये खाना बनाने वाला हुनर। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहने को हम सफर, कहने को नहीं, हम एक्चुअली में एक दूसरे के हम सफर हैं। सालों से चला आ रहा है आपका और हमारा ये रिश्ता, और हर साल जो है और मजबूत होते जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं रोनित रॉय और मोना सिंह की वेब सीरीज कहने को हम सफर सीजन 3 की, जो है तैयार आपके और हमारे बीच में आकर एंटरटेनमेंट के लिए। तो चलिए एक रिव्यू तो बनता है। अब 4 साल बीत चुके हैं, अनन्या एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। इधर रोहित गम में बैड बॉय बन गया है, उसे शराब, नाइट क्लब और लड़कियों के शौक हो गए हैं। अनन्या को वो भूल नहीं पाया है। अनन्या को मगर अब तलाक चाहिए। हालात दोनों को एक दूसरे के सामने लाते हैं। पूनम जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अपने से कम उम्र के लड़के अभिमन्यु से शादी कर लेती है। अनन्या पूनम में दरार आ चुकी है,
लेकिन अनन्या के बच्चे और पूजा के बच्चे एक दूसरे से जुड़े हैं। कहानी में ट्विस्ट रोहित की नई गर्लफ्रेंड अमायरा लाती है। वहीं निक्की की शादी का माहौल है। इस बीच अनन्या और रोहित एक दूसरे का किस कदर सामना करते हैं, इसे सामने के बाद अनन्या और रोहित फिर अलग हो जाते हैं और कुछ ऐसे ही अब्रप्ट तरीके से सीजन 3 का अंत किया गया है। अब हम आपको बताएंगे इस वेब सीरीज में क्या अच्छा और क्या बुरा है। इमोशनली टूटे हुए इंसान के रूप में रोहित, अनन्या का स्ट्रगल और इस बीच पूनम जिसने अपने से कम उम्र के लड़के से शादी की है, इन सभी उलझे रिश्तों को बेहद बारीकी और गहराई से दर्शाने की कोशिश की गई है। परफेक्ट इमोशनल ड्रामा कह सकते हैं इसे। शो में इस बार गंभीरता अधिक है, मौज मस्ती ना के बराबर है, कई बार इमोशन का ओवरडोज भी दिया गया है। उन्हें कुछ हद तक कॉमेडी का तड़का भी लगाया जा सकता था। रोहित का यंग और मॉडर्न देवदास बनना कुछ दृश्यों में खटकता और बनावटी सा लगता है। और अब हम आपको बताएंगे अदाकारी के बारे में। रोनित रॉय के लिए ये सीजन सबसे चैलेंजिंग रहा है। रोनित के लिए बैड बॉय बनना काफी टफ रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसे बखूबी निभाया है। गुरदीप इस बार और निखरी हैं, पलक जैन क्यूट लगी हैं। रोहित की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने में अदिति वासुदेव ने अच्छा अभिनय किया है। सास बहू और साजिश इन्हें 5 में से 3 स्टार्स देता है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से एक चीज जो हम बहुत मिस कर रहे हैं हमारी भारतीय अभिनेत्रियों का, वो रेड कार्पेट लुक। माने या ना माने, कमाल का होता है ना इनका जलवा ऑन द रेड कार्पेट। और इसी रेड कार्पेट वाली फील को रिक्रिएट करने की कोशिश की है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नंदिनी यानी निधि उत्तम ने। कमाल के दीपिका पादुकोण के जो मेट गाला और कान के लुक हैं उनको रिक्रिएट की है और यादें तरोताजा की है। लॉकडाउन में घर बैठे अगर आप मेकअप करना भूल गए हो तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लाए हैं। जिन्हें दीपिका पादुकोण का रेड कार्पेट लुक देखना है उनके लिए ये खास स्टोरी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नंदिनी सिंघानिया यानी कि निधि उत्तम आज बताएंगी कि घर बैठे कैसे अपने मनपसंद एक्ट्रेस का लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही पॉपुलर लुक है जो कि मेरी फेवरेट एक्टर दीपिका पादुकोण ने ये लुक किया था। मैं ये लुक रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे को ये जो डार्क सर्कल्स हैं और जो भी मार्क्स हैं मेरे फेस में उसको मैं कंसील करती हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आई हैव अ बिग फेस एंड दैट इज द कंटोरिंग। सो आई यूज दिस PAC पेंसिल फॉर कंटोरिंग। फर्स्ट हम नोज कंटोर करेंगे। इट्स वेरी इजी, जस्ट ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइंस। Then I take this portion as I draw 3. Mm-hmm.
सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सॉकेट बनाना होता है, आई सॉकेट, वेरी इम्पोर्टेंट। अब एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है, किसी भी ब्रश का एज लेना है सो दैट हम इसको और अच्छा सा फिनिश दे सकें। मैं अपना फेवरेट बेनेडिक्ट का टिंट ज़रूर यूज़ करूँगी बिकॉज इससे एक रेड लश ग्लो आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स डू द लैशेस। So, lashes लगा के the look is almost complete. Similar earrings मैंने पहनने की कोशिश की है and I've tied my hair like this to a bun. I know it's difficult to match the elegance of Deepika, but definitely I've tried to imitate the makeup. तो देखा ना आपने कि कितना आसान है ये। आप भी घर बैठे अपने फेवरेट एक्ट्रेस का लुक रिक्रिएट करिए और अपने लॉकडाउन को ग्लैमरस बनाइए। नेहा सावंत, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है ABP News, आपको रखे आगे।